नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके एडुटेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रो सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी की, जिसका नाम है दोस्तों कावेरी सीड प्राइवेट लिमिटेड। तो कावेरी सीड प्राइवेट लिमिटेड में होगा विस्फोटक धमाका, 850 रुपये पर बाईबैक, यानी कंपनी ने जो है बाईबैक प्लान लॉन्च किया है। यानी इसके जो प्रमोटर्स हैं, कंपनी खुद ही जो है अपने शेयर को खरीदेगी, और वो भी कितने रुपए पे खरीदेगी, 850 रुपये के लेवल पर खरीदेगी। तो बने रहिए जेके एडुटेक के साथ, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो है कावेरी सीड से रिलेटेड जो है फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। उससे पहले जानेंगे कि कावेरी सीड्स का मतलब क्या है। सीड्स का मतलब होता है दोस्तों बीज, यानी जो खेतों में जो फसलें उगाई जाती है उसका मैन्युफैक्चर, उसका प्रोडक्शन जो है एक कंपनी करती है। भिंडी हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, इनके जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उनका निर्माण जो है कावेरी सीड लिमिटेड करती है। विशेषकर इसके जो धान्स होते हैं, मतलब खेतों में जो पैडी होती है, यानी धान, और धान से ही मतलब चावल बनता है, तो चावल की जो खेती की जाती है उसमें कावेरी सीड का जो सीड आता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। इसके अलावा बाजरा और मक्के की खेती की जाती है, हरियाणा में हमारे देश में जो है खेती की जाती है, और हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश में जो है इसकी डिमांड जो है आने वाले टाइम में बनी रहेगी, और आज भी है और आने वाले टाइम में भी। एग्रोकेमिकल और एग्रो सीड से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं वो बूस्टअप करेंगी। तो ये तो था इसका प्योर बिजनेस मॉडल कि ये कंपनी वाकई में बनाती क्या है। होता क्या है कि जब कोई कंपनी बाईबैक लाती है तो आप जो है आँख मूंद कर जो है टूट पड़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है आपको नुकसान होता है। तो किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जो है अपने लेवल पर फंडामेंटल एनालिसिस करें, गूगल करें, उसके बाद ही निवेश करें। तो कावेरी सीड का जो शेयर है उसने जो है यहाँ बाईबैक शेयर का जो है अप्रूवल, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग थी आज, इसने जो है अप्रूव किया है शेयर्स को बाईबैक करने का। तो कितने शेयर्स खरीदे जाएंगे ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 120 करोड़ रुपए के जो है शेयर्स का जो है यहां पर बाईबैक किया जा रहा है, और प्रत्येक शेयर की जो कीमत होगी 850 रुपये पर इक्विटी शेयर, यानी एक शेयर का जो दाम होगा, प्राइस होगा, वो होगा 850 रुपये, और 120 करोड़ रुपए के मूल्य के जो है शेयर यहां पर खरीदे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है, और यदि आप शॉर्ट टर्म में जो है 10-15% का रिटर्न लेना चाहते हैं तो इस बाईबैक का आपको फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि कॉरपोरेट एक्शन जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और इसमें जो है 14,11,780 के करीब जो है यहाँ पर इक्विटी शेयर जो है बाईबैक में खरीदे जाएंगे। तकरीबन 2.3% का जो टोटल स्टेक है इस कंपनी का, वो जो है बाईबैक के रूप में बाई किया जाएगा। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो है आप लोगों के सामने खड़ी है, आप चाहें तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन यदि आप स्टडी पर्पज़ के उद्देश्य से आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, और अभी अभी आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में अपने कैरियर की शुरुआत की है, तो इसमें निवेश करने से पहले जो है स्टडी करना ज़रूरी है। तो आप चाहें तो इसको जो है अपने रडार पर रख सकते हैं। तो कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड का अभी प्राइस जो है 583.50 रुपये के करीब में चल रहा है। आज जो है इस शेयर में 0.75% की तेज़ी देखने को मिली। अब हम जानेंगे इस कंपनी की अन्य चीज़ों के बारे में। तो आप देखेंगे कि जो ये कंपनी है कावेरी सीड, इसका मार्केट कैप 3,494 करोड़ का है, और 817 रुपये इसके बाउंड वीक का हाई प्राइस है, और 463 रुपये इस कंपनी का बाउंड वीक का लो प्राइस है। तो कंपनी में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए जो है बाईबैक का अनाउंसमेंट किया गया है, क्योंकि 463 रुपये जो है इसका बाउंड वीक का लो प्राइस था। इसी के कारण जो है इसके जो मैनेजमेंट हैं, इसकी जो बोर्ड मीटिंग की जो टीम है, वो चाहती है बाईबैक लाएँ 850 रुपये का, यानी 52 वीक का जो हाई प्राइस है उसके ऊपर जो है ये बाईबैक खरीदने चाहते हैं। इस स्टॉक का पी देखें तो 16 रुपये इसका जो है स्टॉक पी निकल के आ रहा है। इसके अलावा जो है कावेरी सीड लिमिटेड का ROCE देखें तो 29.10%, ROE जो है 28.20%, फेस वैल्यू इस कंपनी की 2 रुपये है, और ये कंपनी जो है अपने निवेशकों को अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। तो डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.69% का जो है इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। यानी एक कंपनी जो है एक गुड कंपनी है। एग्रो सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं वो मार्केट में धूम मचा रही हैं, चाहे UPL हो, चाहे सुमितोमो केमिकल हो, तो ये एग्रो केमिकल की एक कंपनी है और इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी।
सेल्स की बात करें तो 2019 में 808 करोड़, 2020 में 929 करोड़, 2021 में 1036 करोड़ का इसने अभी तक सेल्स जनरेट किया है। तो आप सोच सकते हैं कि शानदार सेल्स ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये कंपनी ईयर बाय ईयर जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। सेल्स के साथ साथ आप इसके एक्सपेंसेस को देखें तो एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं। अभी इसी साल, अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें 947 करोड़ का सेल्स जो है एक कंपनी जो है जनरेट कर चुकी है। यानी सेल्स के मामले में एक कंपनी जो है हर साल अपने सेल्स में जो है 10 से 15% का इजाफा कर रही है। इसके अलावा सेल्स के बाद अब आता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी 2019 में 217 करोड़, नेट प्रॉफिट 2020 में 259 करोड़ और 2021 में 310 करोड़ और अभी करेंट टाइम में जो है 219 करोड़ के प्रॉफिट में जो है एक कंपनी चल रही है। यानी इस कंपनी का प्रॉफिट देखिए तो लगातार ग्रोथ हो रहा है और प्रॉफिट के साथ साथ इस कंपनी का सेल्स भी बढ़ रहा है। यानी जब किसी कंपनी का रेवेन्यू और सेल्स एक साथ बढ़ता है तो ये उम्मीद लगाई जाती है कि आने वाले टाइम में एक कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर सकती है और फंडामेंटल एनालिसिस में यही सारी चीज़ें देखी जाती है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट और जिस पर ध्यान देने वाली बात है वो है दोस्तों, कंपनी के पास रिजर्व प्राइस लगातार बढ़ रहा है। 2018 में 99 करोड़ था, 2019 में 994 करोड़ हो गया, 2020 में 947 करोड़ हो गया और 2021 में 1232 करोड़ रुपये जो है इसका रिजर्व प्राइस हो गया है। यानी कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा जो है काफ़ी भरपूर है। और वहीं कर्ज देखें तो इस साल फाइनेंशियल ईयर में पिछले साल 6 करोड़ था लेकिन इस साल मात्र 1 करोड़ का कर्जा रह चुका है। यानी ऑलमोस्ट जो है एक कंपनी डेब्ट फ्री है। तो आप सोच सकते हैं कि कर्जा ना के बराबर है और रिजर्व प्राइस जो है उससे 1000 गुना अधिक जो है इस कंपनी के पास रिजर्व प्राइस है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए तो 55.52% की शेयर होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास है, 15% के करीब में जो है FII के पास है, 11% के करीब में DII के पास है और पब्लिक के पास 17% के करीब में इसकी शेयर होल्डिंग है। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार जो है इस कंपनी का फंडामेंटल है, क्योंकि कंपनी के पास कर्जा नहीं है। यदि कोई इमरजेंसी आती है या किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो जो कंपनी के पास रिजर्व प्राइस पड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल जो है एक कंपनी अपने परफॉर्मेंस में कर सकती है, अपने कंपनी के ऑपरेशनल एवं अन्य चीज़ों के बारे में कर सकती है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ कि एक कंपनी कोई बैंकिंग सेक्टर की कंपनी नहीं है, कोई पावर सेक्टर की कंपनी नहीं है, एक कंपनी है सीड्स से रिलेटेड। तो जब भी सीड्स की आवश्यकता क्या है कि हर साल जो है हर सीजन में इसकी आवश्यकता होगी। धान जो होता है जिसका हम चावल खाते हैं, चावल खाने के लिए हमें धान की खेती करनी पड़ेगी। तो जो फार्मर्स होते हैं वो हर साल धान की खेती करेंगे और हर साल इसका जो प्रोडक्ट जो है मार्केट में बिकेगा। तो आप चाहें तो इसको अपने लंबे समय के लिए यदि होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं। चार्ट पर जाएं तो चार्ट को देखें, ध्यान से चार्ट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो जो 673.65 रुपये इसका अभी पहला रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है तो यहाँ से काफ़ी अभी ज़्यादा दूर नहीं है। तो 15 से 20% का रिटर्न यदि आप लेना चाहते हैं तो कावेरी सीड प्राइवेट लिमिटेड में आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी स्टॉक का भाव 589 रुपये के करीब में चल रहा है और 673.65 रुपये इसका पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। ये जो चार्ट मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है ये कावेरी सीड्स लिमिटेड इंडिया का जो है वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट पर आप देखेंगे तो चार्ट को अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आप यदि शॉर्ट टर्म में 1 से 2 महीने के अंदर 15 से 20% का रिटर्न निकालना चाहते हैं तो इसको आपको, इसमें आप जो है अपना पोजिशन आराम से बना सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है फंडामेंटल रूप से काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है और कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उस सेक्टर में जो है आने वाले टाइम में डिमांड बनी रहेगी। बात करें आज के कारोबार की कावेरी सीड प्राइवेट लिमिटेड की, तो आज 589.50 रुपये से ओपन हुआ, 597.50 रुपये इसने डे का हाई बनाया, 581.30 रुपये डे का लो रहा और 591.95 रुपये पे आज कावेरी सीड्स लिमिटेड ने अपनी क्लोजिंग दी है। आज की डेट में 13,43,359 की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड किए गए हैं, जिनमें से 273,679 के करीब में शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। तकरीबन 20.37% के करीब में जो है इस कंपनी में आज की डेट में इंट्राडे में डिलीवरी उठाई गई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।
यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। नए हैं जेके एरोटेक पर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जेके एरोटेक की तरफ से जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।